आगे आ रहा था। मीठे बच्चे तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट तुम्हें किसी भी बात में दे अभिमान नहीं। सर्वेंट को दे अभिमान नहीं, बस कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता। आदत तो बहुत सारी है लेकिन बाबा कहता फिर भी ऐसी कौन सी आदत है जो ईश्वरीय कायदे के बाहर है। उत्तर है कोई भी फिल्म कहानियां सुनना, पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, ये आदत एकदम बिल्कुल बेकार है। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, बच्चे तुम्हें ऐसी किताबें नहीं पढ़नी। अगर कोई बीके ऐसा पुस्तक पढ़ता है तो एक दो को सावधान कर, पढ़ने मत दो। आज का गीत है मुखड़ा देख ले प्राण, और मीठे मीठे रूहानी बच्चे प्रति रूहानी बात कहते अपनी जांच करो। दिवाली आ रही है ना, जांच करने का खाता क्या करेंगे, जांच करें। क्या जांच करें कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान के तरफ कितना आगे बढ़े। जितना जितना याद करेंगे उतना उतना पाप पड़ते हैं। अब ये अक्षर कहाँ कोई शास्त्र में लिखा हुआ है कि भगवान को याद करेंगे तो पाप पड़ जाएगा। जितना याद करेंगे उतना पाप करेगा, क्योंकि जिस जिसने धर्म स्थापना किया उसने जो समझाया उसके शास्त्र बने हुए जो बैठ के पढ़ते पुस्तक की पूजा करते। अब ये भी समझाने की बात, समझने की बात, जब लिखा हुआ है कि देह सहित देह के सर्व संबंध को छोड़ अपने को आत्मा समझे। बाबा याद दिलाते तुम बच्चे पहले पहले अशरीरी आए थे, वहां पवित्र रहते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति में पतित आत्मा जा नहीं सकती। वह है निराकारी दुनिया, वह है निर्विकारी दुनिया, सत्य वह निर्विकारी और वह है निराकारी। और दोनों स्थान में जाने के लिए पवित्रता चाहिए। इसको कहते साकारी विकारी दुनिया, फिर सत्युग में होगी निर्विकारी दुनिया। सत्युग में रहने वाले देवताओं की बहुत महिमा है,
अब बच्चों को समझाया जाता है, अच्छी रीति धारण कर औरों को समझाओ, ज्ञान को अच्छी तरह से धारण करके औरों को समझाओ। तुम आत्माएं जहां से आई हो पवित्र ही तो आई थी। हम जहां से आए कैसे थे? पवित्र थे। पवित्र ही आई हो, फिर यहां आके अपवित्र जरूर हो गया, होना भी है। सत्य को वाइस लेस वर्ल्ड और कलयुग को विशेष वर्ल्ड का। अभी तुम पति पावन बाप को याद करते हो तो हमको पावन वाइसलेस बनाने आप विशेष दुनिया विशेष शरीर में आओ, यानी पति दुनिया पति शरीर में आओ। बाबा खुद बैठ समझाते, ब्रह्मा के चित्र के ऊपर बड़े मूंझते हैं, दादा को क्यों बिठा दिया ऐसा, तो समझाना चाहिए ये भागीरथ शिव भगवान का, यह रथ मैंने लिया है, बाबा को किसी ने दिया नहीं, भगवान कहता है ये रथ मैंने लिया है, मेरी चॉइस है, क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार चाहिए, नहीं तो मैं तुमको पति से पावन कैसे बनाऊं। रोज पढ़ाना भी जरूर है। अब बाबा तुम बच्चों को कहता है अपने को आत्मा समझ के मां में कम याद, सभी आत्माओं को अपने बाप को याद करो। आप याद भी किसको कर रहे हो? अपने ही बाप को याद कर रहे हो। कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहा जाएगा, क्यों? अपना शरीर नहीं है उसको, तो अपना शरीर है, मेरा शरीर नहीं है, इसलिए मैं आत्माओं का बाप हूँ। शरीर होता तो एक बेटा का बाप बनता, दो बेटे का बाप बनता। अब ये बाप बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। जब किसी को भी समझाओ ना तो पहले क्या बोलो, तुम बाप कहते हैं, तुम अकेले आए थे, अशरीरी आए हो, अब अशरीरी बनकर ही जाना है, वहां से पवित्र आत्मा आती है। शरीर का मतलब शरीर नहीं है तो आत्मा पवित्र है ना, शरीर में आके तो गड़बड़ काम करती है, तो आत्मा शरीर आई थी पवित्र आई थी तो ऐसे ही अशरीर होकर जाना, वहां से पवित्र आत्मा आती है। भल कोई आते तो भी पवित्र ही है और जाएंगे भी पवित्र, उनकी महिमा जरूर होगी जो पवित्र होकर आएंगे जाएंगे। सन्यासी उदासी गृहस्थी जिसका नाम होता है तो जरूर उनका ये पहला जन्म है, उनको आना है धर्म स्थापना। साधु संत धर्म आत्मा जो भी आएगी वो अपना धर्म स्थापना करने आएगी। जैसे बाबा गुरु नानक के लिए समझाते हैं ना, बाबा आया तो क्या स्थापना किया गुरु नानक ने, सिख धर्म स्थापना किया, भले परमात्मा का परिचय दिया पर धर्म भी बना दिया, सिख धर्म हो गया।
अब गुरु अक्षर भी कहना पड़ता है, गुरु नानक गुरु अक्षर कहना पड़ता है। क्यों? नानक का नाम बहुत है। जब किसी की महिमा की जाती है तो मतलब से कहा जाता है, कोई मतलब है ना। अब गुरु क्राइस्ट तो नहीं कहते, गॉड क्राइस्ट तो जरूर कहते होंगे। इब्राहिम को क्या कहते हैं? खुदा इब्राहिम तो नहीं कहते, उसको सीधा इब्राहिम कह देते। तो बाबा कहते गुरु नानक कहा तो जरूर कुछ बात है ना, जिसका नाम होता है उसका ये पहला जन्म है। गुरु नानक उसको आने ही अपना धर्म स्थापना, बड़ी महिमा की जाती है। ना कहे तो अच्छा नहीं, गुरु नानक पूरा शब्द नहीं कहे तो अच्छा नहीं, नानक को डिसरिगार्ड हो गया ना। अब जैसा हम लोग कहते ब्रह्मा अच्छा नहीं लगता है, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा ये क्या हो गया, सम्मान शब्द हो गया। ऐसे नानक नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? गुरु नानक। क्योंकि नानक नाम तो बहुतों का है। जब किसी की महिमा की जाती है सिवाय एक के और किसी की महिमा में, जिसके नाम पर गाते सदगुरु अकाल मूरत, अर्थात जिसको कभी काल न खाए वो है आत्मा, तब ये कहानियां बैठ के बनाते हैं। फिल्मी कहानियों की किताब नॉवेल शादी बहुत पढ़ते हैं, कोई बच्चों को बाबा ने पढ़ते हुए देखा होगा, बहुत पढ़ते हैं। बाबा बच्चों को बहुत खबरदार करते, कभी भी कोई नॉवेल शादी नहीं पढ़ना है। कोई कोई को आदत है, होती है क्या, पढ़ लेते हैं नॉवेल्स पढ़ लेते हैं। यहाँ तो तुम सौभाग्यशाली बनते हो ना, कोई बीके भी नॉवेल्स पढ़ते हैं, इसलिए बाबा सब बच्चों को कह रहा है कभी भी किसी को नॉवेल पढ़ता हुआ देखो तो झट उठा के फाड़ देना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हमको कोई श्राप ना दे दे, गुस्सा ना कर दे, मानो कोई पढ़ रहा है, अब हम छीनेंगे तो उसे गुस्सा आएगा ना, डर है कहीं मार ना दे, कुछ ना कर दे, वादा डरना नहीं चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं, किसके लिए कह रहे हैं? बीके के लिए। कोई बीके ऐसा करता है तो छीन लेना चाहिए। तुम्हारा काम है एक दो को सावधान। फिल्म की कहानियां सुनना पढ़ना बेकायदा है, बेकायदे कोई चलन है तो झट रिपोर्ट करना चाहिए बाबा, नहीं तो सुधरेंगे कैसे। अब कई ऐसे बाबा के बच्चे अमृत वेला कभी उठते ही नहीं, तो एक बार बड़ों के कान में डालो, उसकी आदत पक्की हो रही है ना, ये भी तो बेकायदा है ना। कोई कहानी का किताब पढ़ रहा है, कोई ये कर रहा है बात, तो उसको भी देखो झट रिपोर्ट कर दो, बेकायदे काम करने वालों का रिपोर्ट कर दूंगा। बेकायदे चलाने रिपोर्ट करो, सावधान करो। ये हम किसी की कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, सुधारने के लिए तो बोलना पड़ेगा ना। हम सबके बीके के अंदर कोई एक बीके गलत काम कर रहा है, मर्यादा से बाहर कर रहा है, तो हमारा एक फर्ज बनता है, नहीं तो वो तो संगठन को क्या करेगा, खराब कर रहा है ना, रिपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो सुधरेंगे कैसे। अपना नुकसान करते रहते,
वो नहीं जानते ही मेरा नुकसान हो रहा है, वो तो आदत बना लिया है, वो नुकसान नहीं समझते। नुकसान समझेगा तब तो चेंज होगा ना, इसलिए बात है तुम उसको समझाओ, नहीं तो बाबा को रिपोर्ट कर दो। खुद में योग बल नहीं होगा तो क्या बैठ के दूसरे को सिखलाओगे? बाबा की मना है, अगर फिर भी ऐसा काम करेंगे तो अंदर में दिल खाता रहेगा ना। कईयों का गलत काम करके अंदर में दिल नहीं खाता, वो नहीं सोच रहे मैं गलत कर रही हूँ या गलत कर रहा हूँ, नहीं समझते। अपना नुकसान होगा इसलिए कोई में भी अवगुण देखते हो तो लिखना चाहिए, कोई बेकायदे चलन तो नहीं चलता, लिखो बाबा को बताओ। क्योंकि ब्राह्मण इस समय सर्वेंट, बाबा कहते बच्चे नमस्ते, अर्थ सहित समझाते। बच्चिया पढ़ाने वाली जो है उसके अंदर देह अभिमान नहीं आना चाहिए, पढ़ाने वालों ज्ञान सुनाने वालों के अंदर देह अभिमान नहीं आना चाहिए। टीचर भी स्टूडेंट सर्वेंट होता है कि नहीं होता है? स्टूडेंट का सर्वेंट हुआ ना टीचर। गवर्नर आदि चिट्ठी लिखते हैं, नीचे सही करेंगे आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। बड़े आदमी लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट, बिल्कुल सन्मुख नाम लिखेंगे, बाकी क्लर्क लिखेगा अपने हाथ से। कभी अपनी बड़ाई मत लिखो और ज्यादा दूसरे की भी बड़ाई मत करो, फूल नहीं बांधो बड़ाई का जब टूटी जावे, है कि नहीं? बहुत ज्यादा आप समझते हम ज्यादा किसी की महिमा करेंगे तो सेवा ज्यादा कर देगा उसको, आप और चढ़ा रहे अभिमान दिला। प्यार जरूर आना चाहिए, सम्मान जरूर आना चाहिए, तो बड़ाई नहीं लिखना। आजकल गुरु तो अपने आप को क्या करते हैं, श्री श्री लिख देते हैं, लिखते हैं ना श्री श्री 108 लिखते हैं। यहां भी ऐसे ही है, श्री फलाना लिख देते, श्री फलाना भाई जी, श्री नहीं लिखो। वास्तव में ऐसे भी लिखना नहीं चाहिए, ना फीमेल श्रीमत लिख सकती है ना मेल श्री क्या श्रीमान लिख, श्रीमती नहीं लिखो बाबा कहता है। श्रीमत तब मिले जब स्वयं श्री श्री आकर देवे, तो से बाबा ही है। तुम समझा सकते, जरूर कोई के मत से देवता बनते हो, हम जो देवता बन रहे हैं तो जरूर किसी के मत से देवता बन रहे हैं। भारत में किसी को ये नहीं पता कि यह इतना ऊंचा विश्व के मालिक कैसे है, हमको भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम विश्व के महाराजा बनते हैं। बाप आए हैं इस राज्य की स्थापना करने, इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम छोटी छोटी बच्ची तोतली भाषा में समझाओ छोटे बच्चे को, 12 साल 13 साल के कोई कन्या हो कोई बच्चा हो उसको ज्ञान सुनाने को बोलो, तोतली भाषा में बैठ के समझाए। बड़े बड़े सम्मेलन आदि होते हैं उनमें तुमको बुलाते हैं, तुम ये चित्र ले जाओ और बैठ कर समझाओ वहां पर। भारत में इनका राज्य स्थापना हो रहा है, समझाओ कहां भी भरी सभा में तुम समझा सकते हो।
सारा दिन सर्विस का नशा रहना चाहिए, सेवा का नशा। दुनिया में बहुत नशा है, यहाँ भी सेवा का नशा, लेकिन नशा भी कैसा हो, ठीक बैलेंस वाला। भारत में इनका राज स्थापना, बाबा हमको राजयोग सिखलाना, शिव भगवान राज। ए बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो तो तुम यहाँ बन जाओगे 21 पीढ़ी के लिए, ये बन जाओगे। दैवी गुण धारण कर रहे हैं, अभी तो सबका आसुरी गुण है। श्रेष्ठ बनाने वाला एक श्री श्री शिव बाबा, वही ऊंचे से ऊंचा बाप हमें पढ़ाते हैं। शिव भगवान वाच, मन मना भव, भागीरथ बहुत मशहूर है। किस बात में? भागीरथ कौन था? नदी का नाम था ना भागीरथ, जो शंकर ने जटा खोली भागीरथ बहा, तो बाबा कहता भागीरथ का नाम बड़ा मशहूर। भागीरथ को ब्रह्मा कहा जाता है। अब जटा खोला कौन? शिव बाबा ने कौन सा जटा खोला? ड्रामा का जटा खोला, देख अब मैं आ गया हूं। खोला तो जब जटा खोला शंकर ने, तो गंगा माँ ने पूछा मैं पहले किस में आऊं? तब शंकर ने अपनी जटाओं में गंगा को क्या किया? पहले समाया, नहीं तो सृष्टि ध्वंस हो जाएगी, विध्वंस हो जाएगी। जटा में गंगा को समाया तब गंगा लाया। तो शिव बाबा जब आया तो ब्रह्मा बाबा के बुद्धि रूपी जटा में बैठा, तब ये ज्ञान के गंगा ब्रह्मा बाबा ने बहाया, लेकिन है शिव बाबा। इसलिए बाद भागीरथ बड़ा मशहूर नाम है, जिसको महावीर भी कहते हैं। आदिदेव महावीर था ना, महावीर भी कहते, भागीरथ भी कहते हैं। देखो ये दिलवाड़ा मंदिर में बैठा हुआ है महावीर, क्या कर रहा है? जैनी आदि के मंदिर बनाने वाले वो जानते थोड़ी है महावीर कौन है। वो तो महावीर मुनि बना दिया, जैन मुनि बना दिया, लेकिन महावीर कौन, कौन है महावीर? जो मान पवित्र आत्मा, जैन मुनि कह समझे के महावीर कौन? तुम छोटी छोटी बच्चियां कोई से भी विजिट ले सकते हो, विजिट लो बड़े आदमी के, जाके समझाओ छोटी छोटी। अभी तुम बहुत श्रेष्ठ बन रहे हो, ये भारत का एम ऑब्जेक्ट है, श्रेष्ठ बनना, देवता बनना, ये भारत का एम ऑब्जेक्ट। कहते ना भारत गुरु था, किस बात पे गुरु था? देवताओं का राज्य, यही तो गुरु रहे और यही गुरु है भारत, सिखलाने वाला है बाबा कहता है। कितना नशा चलना चाहिए यहाँ, बाबा अच्छी तरह से नशा चढ़ाता है। सेंटर पे आए, मधुबन गए, नशा चढ़ा हुआ है। सब कहते हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इतना नशा चढ़ा है। सब कहते हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, अरे थोड़ा कोई कहो हम राम सीता भी बने, उसमें हाथ ही नहीं उठाते बाबा। क्या राम सीता अच्छा नहीं है क्या? राम मर्यादा पुरुषोत्तम, सीता आज्ञाकारी, हर देवताओं के गुण तो है ना। बाहर खाली लक्ष्मी नारायण बनेंगे, राम सीता के लिए हाथ ही नहीं उठाते। और ऐसा देखा जाए
जो हाथ उठा लो राम सीता के भी लायक नहीं है। पर बाजी कहाँ का लगाया है, एकदम टॉप। अभी तुम अहिंसक क्षत्रिय, देखिए हमारे अभी ब्राह्मण जीवन में ही सब धर्म है। जब पवित्र है ब्राह्मण, जब लड़ रहे माया से क्षत्रिय है, जब दिव्य गुण धारण कर रहे तो देवता है ना। आधा चल रहे आधा नहीं चल रहे वैसे है, और एकदम ही नहीं चल रहे जो बाबा कहता है भगवान की आज्ञा को नहीं मानता शूद्र। तो इस ब्राह्मण जीवन में ही तो हम ये खेल कर रहे हैं, वो तो चक्र के मुताबिक तो चलते ही रहेगा। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, तुम अहिंसक हो क्षत्रिय हो, तुम अहिंसक क्षत्रियों को कोई नहीं जानता, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, पर है हम क्षत्रिय योद्धा। तुम अभी समझते हो, गीता में अक्षर है मन मना भव, अपने को आत्मा समझ। बड़ी समझने की बात है, कोई समझ नहीं सकते। बाबा बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं, क्या शिक्षा देते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी बनो। ये आदत 21 जन्म चलेगा, कौन सी आदत, आत्माभिमानी की आदत 21 जन्म चलेगा। तुमको शिक्षा मिलती है 21 जन्म के लिए, जो भी हम कर रहे हैं सब 21 जन्म के लिए। बाबा घड़ी घड़ी मूल बात समझा, अपने को आत्मा समझकर बैठो। परमात्मा बाप हम आत्मा को बैठ के समझाते हैं, तुम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हो, फिर घर बार आदि भी याद आ जाता है, अभिमान आया घर बार याद आ रहा है, ये होता है, ये होता है। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी भक्ति करते करते बुद्धि कहीं कहीं चली जाती, नहीं जाती थी, बैठे राम को याद करने तो कोई और याद आ रहा है। बाबा के बच्चे भी तो ऐसे योग करने बैठते कुछ और याद आ रहा है, होता है कि नहीं होता है क्या? अच्छा 4 बजे मेरे ख्याल से नहीं होता, होता जब अमृत बेला थोड़ा थोड़ा याद, लेकिन मालूम पड़ जाता है तुरंत हम लोग क्या करते हैं, चेंज हो जाते हैं, याद आता। मान लो कोई काम आप रात को अधूरा करके छोड़ा होगा, वो अमृत वेला याद है, अरे मेरे को ये काम करना है। मतलब सेकंड बुद्धि इतनी शक्तिशाली जो सेकंड में निकलती है। इसलिए बाबा जी आपका भी तो बुद्धि जाता है, और जब जा रहे तो तुरंत क्या करो, वो तो मालूम है मेरी बुद्धि जा रही है, तुरंत उसको क्या करो। अच्छा ड्राइवर है तो स्टॉप करना भी आएगा, स्टार्ट करना भी आएगा, बैक करना भी आएगा और मोड़ना भी आएगा, क्योंकि स्टीयरिंग उसके हाथ में है। तो ज्ञान की स्टीयरिंग जिसके पास है, कहाँ मुझे मोड़ना है कहाँ स्टॉप करना है मालूम रहना चाहिए बाबा। इसीलिए बाबा कह रहे हैं बुद्धि चली जाती है, एक टिक सिर्फ नौदा भक्ति वाले ही बैठ सकते। एक ऐसे ऐसे दुनिया में भगत होते हैं नौदा सिर्फ एक का ही भक्ति करते बैठ जाते टिक जाते। जिसको तीव्र भक्ति कहा जाता है, नौदा याद करो जो बुद्धि टिक जाए, एकदम लवली नवस्था ऐसा बाबा को याद करो, बुद्धि टिक जाए लवली नमस्कार। तुम जैसे याद में बैठते हो ना, उस समय एकदम अशरीरी बन जाता, यही सोच के बैठना चाहिए कि मैं आत्मा शरीर से अलग हूं, उसकी फीलिंग करिए।
अपने आप को कमेंट्री करिए। कमेंट्री तो याद है ना कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। स्मृति में लाना है ना ये बातें, उसका फील होगा। लेकिन ऐसा लवलीन अवस्था में बैठेंगे तो जो अच्छे बच्चे होंगे ना, वही ऐसी अवस्था में बैठेंगे, देह का भान निकल गया। कोई क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, देह का भान नहीं रहेगा। अशरीरी होकर मस्ती में बैठेंगे, ऐसा योग करना चाहिए, मस्त होना है। यह आदत पड़ जाएगी। सन्यासी हैं तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी, वो कहते हम लीन हो जाएंगे। ये पुराना शरीर छोड़ ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। सबका अपना अपना धर्म है, कोई भी दूसरे धर्म को नहीं मानता है, सब अपने धर्म को मानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले तमो प्रधान बन गए। वही आया ना पांच बातें, शूद्र बन गए, तमो प्रधान बन गए। गीता का भगवान कब आया था, गीता का युग कब था, ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। बाप कहते हैं, तुम जानते हो संगम युग पर बाप आके राजयोग सिखलाते, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। भारत की बात है, अनेक धर्म था जरूर, गायन है, एक धर्म की स्थापना होती है, एक धर्म था जो अभी नहीं है, बाकी सब धर्म खड़ा है, एक धर्म गायब है। बढ़ के झाड़ का मिसाल एकदम ठीक है, एकदम ठीक और फिट है। बढ़ का झाड़ फाउंडेशन नहीं है, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। इसमें देवी देवता धर्म ही नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो तना था वो प्रायलोक हो गया, फिर से बाबा स्थापना कर रहे। तो तना तो बाबा ने खोजा ना, फिर तना आके क्या किया, संगम युग पे लगाया ना, स्थापना किया ना। बाकी इतने सब धर्म पीछे है, चक्कर रिपीट जरूर करना है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया ही होनी है। नई दुनिया में इनका राज्य था। तुम्हारे पास बड़े चित्र भी है, छोटे चित्र भी है। बड़ी चीज होगा तो लोग देखकर पूछेंगे ये क्या उठाया है, बोलो हमने वो चीज उठाई जिससे हमारा जीवन बेघर टू क्या बन जाए, प्रेम। दिल में बड़ा उमंग हो, बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, आत्मा को भगवान पढ़ाता है। बाबा हमको नैनों पर बिठा के ले जाएंगे, छी छी दुनिया में तो हमको रहने का ही नहीं है। आगे चल के त्राही त्राही होगा, बात मत पूछो। करोड़ मनुष्य मरते हैं, या तो तुम बच्चों के बुद्धि में। हम इन आंखों से जो देख रहे हैं रहने वाला नहीं है। यहाँ मनुष्य कांटों की तरह है, सतयुग में फूलों का बगीचा। फिर हाँ, हमारे नयन ठंडे हो जाएंगे। भाई फूल को आंख में रखते तो ठंडा लगता है ना, कांटों को कोई आंख में रखेगा क्या? आप फूल बन जाएंगे तो हमारे नयन जो है ठंडे हो जाएंगे। बगीचे में जाने से क्या होता है, फूलों के बगीचे में जाने से क्या होता है, ठंडा हो जाते हो, शीतल हो जाते हो।
तो अभी तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन गए। ब्राह्मण जो बनते हैं उसके पाव में पद्म है। ब्राह्मण जन्म ले लिया तो पैर में आपके पद्म, अब जितना पैर उठाएंगे उतना पद्म, जितना कदम उतना पद्म। तुम बच्चों को समझाना चाहिए हम ये राज स्थापना, इसलिए बाबा ने बैज बनाया। सफेद साड़ी पहनी हो, बैज लगाओ, सेवा अपने आप हो जाएगी। मनुष्य गाते हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, परंतु बहुत काल का अर्थ नहीं समझते। तुमको बाबा ने बताया बहुत काल का मतलब 5000 वर्ष के बाद बाबा से मिलते हैं। तुम ये जानते हो, यह सृष्टि में सबसे नामी ग्रामी कौन है? कौन है रामी ग्रामी इस सृष्टि में? उससे भी राधे कृष्ण नामी ग्रामी। यह सत्युग का फर्स्ट राजकुमार राजकुमारी, कभी किसी के ख्याल में नहीं आएगा ये कहां से आए, पूछता ही नहीं है कोई। पूछता है क्या लक्ष्मीनारायण कहां से आए, इसके माँ बाप कौन है? कोई नहीं पूछता, जानेंगे नहीं बेचारा क्या पूछेगा। सत्युग के आगे क्या था? सत्युग के आगे क्या था यानी बैक कलयुग। उन्होंने क्या कर्म किया जो विश्व के मालिक बन गए? पूछो भारतवासी को, इनको विश्व का मालिक थोड़ी समझते हैं, वो तो समझते देवता है। लेकिन भारत में इनका राज्य था, ये विश्व के मालिक थे ये नहीं पता, देवता है ये मालूम है। इनका राज्य था जब, तब भारत में कोई धर्म नहीं था। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको क्या सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? राजयोग सिखा। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यही है। बल मंदिर में उनके चित्र आदि हैं, समझते थोड़ी है। इस समय स्थापना हो रही, तुम्हारे में सब नंबर वार जानते हैं, कोई तो एकदम भूल जाते हैं। चलन ऐसी होती जैसे कल्प पहले थी, ऐसी चलन। यहाँ समझते तो बहुत अच्छा है, बाहर निकल गए तो खलास हो गया। क्या खलास हो गया? क्या खलास हो गया? देवी गुण ही खलास हो गया, लौकिकता आ गई। सर्विस का शौक रहना चाहिए, सबको पैगाम देने का युक्ति रचना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो नशे से बताना चाहिए। मेहनत करो तो शिव बाबा कहता है, अब नशे से क्या बता दो, लास्ट पॉइंट क्या होगा? क्या बताने के लिए बाबा घड़ी घड़ी उस बात को याद दिलाया, बता दो। शिव बाबा कहता है मुझे याद करो तो पाप कट जाए। हम एक शिव बाबा के सिवाय और किसी को भी याद नहीं करते हैं। ये सबको समझा दो, मेहनत करो, युक्ति रचो और नशे से समझा, याद करेंगे तो पाप मिट जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का
या प्यार गुड मॉर्निंग, रूहाने बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार।